नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। संसद के मानसून सत्र में देश के मौजूदा हालात, महंगाई और पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। पेगासस और दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप मामले में गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए ओब्रायन ने कहा कि अगर अमित शाह संसद में आ गए तो मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा। मंगलवार को ओब्रायन ने दावा किया कि अमित शाह पेगासस मुद्दे पर चर्चा से भाग रहे हैं, वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि मैंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संसद में नहीं देखा। ओब्रायन ने CBI के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाया। TMC सांसद ने कहा कि मोदी शाह के चहेते अफसर को दिल्ली का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राजधानी में 9 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो क्या गृह मंत्री को सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए? TMC नेता ने आगे कहा कि अगर अमित शाह इस मामले पर लोकसभा या राज्यसभा में आकर जवाब देते हैं तो मैं नेशनल TV पर अपना सिर मुंडवा लूँगा। मैं अमित शाह को चुनौती देता हूँ क्योंकि वो पेगासस मामले पर जवाब देने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15-16 विपक्षी दल चाहते हैं कि संसद में इस पर चर्चा हो। हम 3 मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। कृषि कानून पर बातचीत हो, उन्हें निरस्त किया जाए, अर्थव्यवस्था, नौकरियां, महंगाई और मुद्रास्फीति, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, पेगासस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।